वेस्ट बेंगॉल सिविल सर्विसेज एग्जाम मेन कंपलसरी क्वेश्चन पेपर थर्ड 2015 जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रिवर हैज़ बीन हार्नेस्ट अंडर द हिराकुंड मल्टीपल प्रोजेक्ट महानदी क्वेश्चन नंबर टू विच ए स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इट्स नेट इरीगेटेड एरिया अंडर वेल इरीगेशन सो वेस्ट बेंगॉल इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री विच स्टेट इज कॉल्ड सुगर बॉल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश क्वेश्चन नंबर फोर द टिपिकल एरिया ऑफ साल फॉरेस्ट इन द इंडियन पेनसुला ऑकर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ गोदावरी यह जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 200 हंड्रेड क्वेश्चन हैं हंड्रेड हिस्ट्री और हंड्रेड जियोग्राफी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन एज वेल एज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन नंबर सिक्स सुगर कैन कल्टिवेशन इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट इज झूम अ टाइप ऑफ कल्टिवेशन जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूम कल्टिवेशन होता है क्वेश्चन नंबर सेवन विच सेंचुरी इन केरला इज नॉन एज एलिफेंट्स पेरियार इज़ अ फेमस फॉर एलिफेंट कंजर्वेशन सो आंसर बी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एट वेक्टर एंड रेस्ट raster data are used for geographical information system application question number 9 pie diagram is based example of representation of land use question number 10 the most appropriate symbol for representing urban center on maps is spheres question number 11 location of sugar industry in india is shifting from north to south because of high yield and high sugar content sugar cane साउथ इंडिया में जो शुगर कैन होते हैं उनमें हाई इल्ड होती है शुगर की इसलिए नॉर्थ इंडिया से ट्रांसफर्ड हो रहे हैं साउथ इंडिया में जैसे कि तमिलनाडु काफ़ी फेमस सेंटर है शुगर कैन का क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कॉपर इज़ प्रोड्यूस्ड इन ओडिशा राजस्थान एंड बिहार और कॉपर का जो सबसे फेमस माइन है खेतड़ी माइन सिचुएटेड इन राजस्थान क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया the investment per enterprises in the public sector was the highest during the 7th 5-year plan. question number 14. unlike other question number 13, option d correct answer, 7th 5-year plan. question number 14. unlike other parts of indian coast, fishing industry has not developed along the sourast coast because of overwhelming dependence on agriculture and animal husbandry. question number 15. which one of following

क्वेश्चन इसी का जो ऑप्शन सी है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड जॉब्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन ऑप्शन डी द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज सेटअप एट फोर्ट ग्लोस्टर इन कैलकाटा यस बट नॉट सक्सेस क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज लार्जली ड्यू टू इंक्रीज इन मार्केट डिमांड क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन विच द फ्लोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ सुगर प्रोडक्शन इन साउथ इंडिया एज कंपेयर्ड टू नॉर्थ इंडिया स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट हायर पर एकर एल्ड ऑफ सुगर कैन एंड हायर सुक्रोच कंटेन ऑफ सुगर जस्ट इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर एटीन नेपा नगर इज फेमस फॉर न्यूज प्रिंट पेपर इंडस्ट्री क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच वन ऑफ फ्लोइंग इज नॉट अ जी आई एस सॉफ्ट एयर Software O R I R S Ori Rish Question number twenty. Which of the following is not the essential for the carrying out the aerial photography in India? Option D correct answer. Question number twenty one. The highest waterfall in India is zog Fall. Question number twenty two. Consider the following statement. India produces eight point five million motorcycle in 2019 this is based on current affair on that data so not important for our future exam leave this question question number 23 which of the following iron and steel plants was built to use charcoal as a source of power to start with uh, but later switched over to hydroelectricity show vicl question number 24 consider the following statement and quote the correct answer option d correct answer all are correct cotton textile is the largest industries in india yes question number 25 assertion and reason questions a is true but r is false iron and steel are alkaline in reaction yes but sorry iron and steel industry is called basic industry yes but iron and steel are alkaline in reaction false शो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश एट कोलकाता जस्ट अभी इससे ऊपर भी देखे थे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन हिंडालको एन एलमोनियम फैक्ट्री लोकेटेड एट रेनुकूट उन्स इट्स साइट्स बेसिकली टू प्रोक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल रेणुकूट जो है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है शो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट फॉर विच वन ऑफ फॉलोइंग इज वेल नॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के लिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन वेयर आर द वेल प्लांट्स लोकेटेड हरिद्वार भोपाल हैदराबाद एंड त्रिशरापल्ली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ऑप्शन करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी विच वन ऑफ फ्लोइंग एरियाज ऑफ इंडिया प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन वेस्टर्न एंड सर्दर्न इंडिया क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विच वन ऑफ फ्लोइंग इज मोस्ट स्पोकन इंडो ऑस्ट्रिक लैंग्वेज इन इंडिया संथाली क्वेश्चन नंबर थर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैज़ अ डिस्पर्स कोर गारो गारो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन के अकॉर्डिंग खासी संथाली मुंडा खरिया में संथाली इज मोस्ट स्पोकन इंडो ऑस्ट्रिक लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री फाइव ईयर प्लान ऑप्शन फाइव ईयर प्लान ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर द हैबिटाट ऑफ टोडा वेरी फेमस नीलगिरी जो तमिलनाडु में है तमिलनाडु में काफ़ी जो टोडा ट्राइब्स हैं वो पाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स शो मणिपुर अकॉर्डिंग टू गिव ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स द राउर किला स्टील प्लांट वॉज बिल्ड ऑन द बैंक ऑफ ब्राह्मणी रिवर क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन अकॉर्डिंग टू थाउजेंड इलेवन इंडिया हैज द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड शो सेवेंटीन पॉइंट सिक्स फोर परसेंट अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिफिनेशन ऑफ टाउन इज पर देंसस ऑफ इंडिया शो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ फोर हंड्रेड स्क्वायर फोर हंड्रेड परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन द जोन्स एंड स्ट्रेटा थ्यूरी पर्टेनिंग टू द ओरिजिन एंड डिफ्यूजन ऑफ ह्यूमेन रेसेस वॉज प्रो पाउंडेड बाई टेलर क्वेश्चन नंबर फोर्टी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर Textile industry is labour intensive. Yes, or India export more textile goods than China. Yes, options. C correct answer. Question number forty one. The map in which distribution of different objects are shown by letter symbol are called chromatic maps. Question number forty two. The main occupation of the Gonds is food gathering. Question number forty three. Which one of following union territory has the highest literacy rate? Daman and Diu, according to given. ऑप्शन ड्राई पॉइंट्स सेटलमेंट आर कॉमन इन डेल्टाज क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द लोएस्ट लिटरेसी इन टू थाउजेंड इलेवन शो गिवेन ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर वैसे जो सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट थी टू थाउजेंड इलेवन की वो थी बिहार की बट इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स सेटलमेंट विच ग्रो अलॉन्ग द रोड रिवर और अ कैनल आर लिनियर सेटलमेंट बिटवीन टू थाउजेंड वन टू टू थाउजेंड इलेवन इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज अबाउट वन एट वन मिलियन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बिहार हैज़ रिकॉर्डेड लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट नहीं यह राजस्थान में था लोएस्ट फीमेल लिटरेसी क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर अरेंज द लिटरेसी रेट ऑफ फलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दैट मीन्स घटते हुए क्रम में शो सबसे ज़्यादा केरला फिर मिजोरम त्रिपुरा एंड गोवा सेम है क्वेश्चन नंबर अबाउट ऑफ द टोटल आयरन और प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज फ्रॉम झारखंड एंड ओडिशा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन अमॉन्ग द फ्लोइंग स्टेट विच वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कर्नाटका क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू डायमंड माइंड आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश और पन्ना डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री विच वन ऑफ फ्लोइंग सेट्स ऑफ कंडीशंस Is necessary for a good cultivation of wheat, moderates temperature and moderates rainfall. Question number 54. Which one of following does not belong to biosphere reserve setup? Set up so far, Gulf of kutch Question number 55. Reserve forest is a forest with wild life pro, uh, protections. Question number 56: the Western Ghat in Maharashtra, known as Sehadri. Question number 50, 57, the uplift of himalayas was first initiated during the period of middle eocene question number 58 structurally the great himalaya is a suture zone question number 59 india's eastern ghat and western ghat meet at nilgiri question number 56 which one of the following is the lowest high highest above the mean sea level quota according to given ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन द अप्रोसीमेट सर्कम फेरेंस ऑफ अर्थ फोर्टी थाउजेंड किलोमीटर द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज द हाइएस्ट अलॉन्ग द इक्वेटर इको सिस्टम हैज़ टू कंपोनेंट्स बायोटिक एंड अबायोटिक कॉम्बिनेशन को इको सिस्टम कहते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर पी टी सोयल इज़ फाउंड इन केरला क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव एमोंग द फॉलोइंग विच वन इज रिलेटेड टू ब्लू रिवोल्यूशन पीसी कल्चर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स विच विच ऑफ द फ्लोइंग आईलैंड ब्लू रिवोल्यूशन दैट मीन्स फिश के लिए है तो पीसी कल्चर यानी कि मछली उत्पादन के लिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स विच ऑफ द फ्लोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया हैज़ वॉल्कैनिक ओरिजिन बारेन आइलैंड अंडमानिकोबार में है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन अल्मूनियम फैक्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल लोकेटेड एट दुर्गापुर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट लोवेस्ट रेनफॉल ऑफ वेस्ट बंगाल इज फाउंड इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन वेस्ट बंगाल वॉज फॉम्ड ऑन फिफ्टींथ अगस्त नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सेवन अकॉर्डिंग टू गिवेन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी कंसिडर द फ्लोइंग ए स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवेन बिलो ऑप्शन स्टेटमेंट वन टू एंड फोर आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन विच वन ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट शो दादर एंड नगर हवेली वर अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल स्टिल नाइनटीन फिफ्टी फोर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू विच इनकरेक्ट पूछा गया है तो फ्रेंच कॉलोनी कौ नहीं था दादर एंड नगर हवेली यह पोर्टुगीज थे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू विच वन एमोंग द स्टेटमेंट इज इन करेक्ट सो मुंबई सिटी इज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ये इनकरेक्ट है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा और सही है बिहार हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है इसको क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री अमॉन्ग द फलोइंग सिटीज़ विच वन इज द नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर शो नागपुर इज करेक्ट आंसर द वर्ल्ड हाइजेस्ट ग्राउंड बेस्ट टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इन यू एस ए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव ऑप्शन वन एंड थ्री आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स सेवर ड्रॉट इज कॉल्ड वेन शॉर्टेज ऑफ एनुअल रेनफॉल बाई मोर देन एट्टी परसेंट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन श्मीर इज लेक फॉर्मड बाई टर्मिनल मोरिनी डैम क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट विच ऑफ द फ्लोइंग टू अर्थ क्विक शो यॉन्ग फॉल्ड माउंटेन्स जैसे हिमालय है द हाइजेस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया इज इज इन इज इन द हाइस्ट पीक यस हिमाचल प्रदेश नो नो कंचनजंगा सिक्किम सिक्किम होगा इसका सही आंसर हाइजेस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया इज सिक्किम कंचनजंगा सो so, सिक्किम हो जाएगा हिमाचल प्रदेश नहीं ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा सेवेंटी नाइन का क्वेश्चन नंबर एट्टी द स्टेट हैव कॉमन बॉर्डर विथ चाइना वन टू थ्री फोर चारों के साथ है लेकिन अब जम्मू कश्मीर को हमने यूनियन टेरेटरी जब से किया है तो अब लद्दाख हो गया है लद्दाख सिक्किम अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी वन फॉर्मेशन ऑफ पोर्ट होल्स इन रिवर बेड आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन क्वेश्चन नंबर एट्टी टू गोल्डन रिवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर के लिए विच वन ऑफ द फ्लोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज कल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड टेम्परेट ग्रास लैंड जो एस्टेपी ग्रास लैंड कहलाता है वो ब्रेड बास्केट कहलाता है वर्ल्ड का क्वेश्चन नंबर एस्टेपी जो है रशिया में पाया जाता है रशिया और सेंट्रल एशिया जो है वहाँ पर क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर विच ऑफ द फ्लोइंग परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन इज एब्सॉर्ब बाय द एटमोसफेयर फोर्टीन परसेंट क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव टूब नून हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर एट्टी सिक्स अमाउ द फ्लोइंग कंट्रीज विच वन हैज द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ रेलवे इंडिया क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज प्रोड्यूस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ क्रूड स्टील ऑफ वर्ल्ड जापान क्वेश्चन नंबर एट्टी एट बट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ क्रूड स्टील ऑफ वर्ल्ड यहाँ पर ऑप्शन बी चाइना होना चाहिए क्योंकि ये घटते बढ़ता रहता है लेकिन चाइना है चाइना जापान फिर इंडिया है क्वेश्चन नंबर एट्टी एट विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एट्टी नाइन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर स्टेटमेंट वन और थर्ड जो है ये करेक्ट हो जाएगा अंडर स्केंटी रेनफॉल वन एंड थर्ड दैट मीन्स ग्राम एंड मस्टर्ड क्वेश्चन नंबर नाइन्टी हाउ मैनी किलोमीटर्स रिप्रेजेंट बाई वन डिग्री ऑफ वन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन विच विच वन ऑफ फॉलोइंग प्लेस इज लोकेटेड द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी देव प्रयाग को कहते हैं क्वेश्चन नंबर जहाँ से अब अलकनंदा और भागीरथी गंगा के नाम से जानी जाती है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू द अमरकंटक हिल जो है ऑप्शन डी ताप्ती एंड सोन वहाँ से निकलती है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री विच नहीं तापी एंड सोर्स ऑफ द रिवर सोर्स ऑफ द रिवर इन टू डिफरेंट डायरेक्शन वेस्ट एंड ईस्ट दे आर अमरकंटक नर्मदा एंड तापी नर्मदा एंड महानदी तापी एंड बेतवा वैसे नर्मदा एंड सोन होना चाहिए इसमें ऑप्शन उस तरह से नहीं दिया है तापी तो अमरकंटक से नहीं निकलती है इसका सही आंसर मेरे ख्याल से है नर्मदा एंड महानदी होगा देखना होगा कि महानदी अमरकंटक से हाँ एक बार देख लेना होगा इसको क्योंकि तीन रिवर का अमरकंटक माना जाता है एक तो नर्मदा सोन और शायद महानदी है वो सो तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन को आप सुधार लेंगे और कमेंट करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज़ इनकरेक्टली मैच्ड शतलुज जो है एंटीसीडेंट रिवर नहीं है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर द इंदस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीसीडेंट ड्रेनेज क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइंटी फाइव द इमीडिएट कस फॉर द साउथ इज ट्रेड टू क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो एज साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ओवर इंडिया इज द इंटेंस लो प्रेशर ऑफ द थार डेजर्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स द टर्म रेगूर रेफर्स ब्लैक कॉटन सॉइल क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन अल नीनो विच इन्फ्लुएंस अ वार्म ओशन करेंट दैट फ्लोज वेस्ट वार्ड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ इक्वाडोर एंड पेरू क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट टू एंड थ्री ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रीब्यूशन ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में पूछा गया है इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लावा रीजन ऑफ द डक्कन यस एंड हैज अ ग्रेट कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर इज एक्सट्रीमली फर्टाइल एट सरफेस यस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 99. South 24 Pragana is the largest district of West Bengal in size. Question number 100. A stormy weather condition is in indicated by sudden fall in barometer reading. So, option A is correct answer 101. Subhash Chandra Bose fought the presidential election in 1999 on the ground that he pleaded for election instead of nominations. Option B. Correct answer. Lord Mokale was associated with कौनफी क्वाडिफिकेशन ऑफ लॉ इसी ने किया था लॉर्ड मेकॉल नाइनटीन थर्टी में क्वेश्चन नंबर 1835 में सॉरी 1835 में वन हंड्रेड थ्री द लोअर कास्ट ट्राई टू एसर्ट्स देमसेल्स बाय बोरोइंग एंड इमिटिंग कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ द अपर कास्ट दिस वाज टर्म्ड एज संस्क्रिटाइजेशन बाय एम एन श्रीनिवासन Who among the following was not a member of Congress Socialist Party, although he encouraged its formation? Jawaharlal Nehru, Congress, uh, Congress Socialist Party, founded by Prakash Narayan. Question number one hundred five: The Congress President who conducted negotiation with cris in nineteen hundred forty-two and Webel at the Simla Conference, Abdul Abdul Kalam Azad. Question number one hundred six: Which one of following ambassador? Following. एडूम ब्रेटेड प्रिंसिपल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विच वर लेटर इनकॉर्पोरेटेड इन द मॉन्टेग्यू चेंड रिफॉर्म मॉन्टेग्यू चेंड रिफॉर्म 1919 हंड्रेड में आया था शो पैक्ट क्वेश्चन नंबर 107 ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूज द पोर्टफोलियो सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन एटीन द वाटली कमीशन विथ लेबर क्वेश्चन नंबर The Indian Association pl played an important role in arousing national consensusness through the formation of India National Conference. Question number 110. Who des designed the national flag of India adopted by the Constituent Assembly? July twenty first, 1947. So, Brother Babadruddin Tayabzi. Rabindranath Tagore. Abinath. रविंद्राथ राठौर इसका क्वेश्चन देखना होगा इसका नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड इलेवन विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली पेयर्ड शो भारत माता अजीत सिंह विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली पेयर्ड शो रॉलेट एक लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टीन हु सेड द कांग्रेस मूवमेंट वॉज निदर इंस्पायर्ड बाई द पीपल नॉट डिवाइज्ड बाई प्लांट बाई देम शो लाला लाजपत राय क्वेश्चन नंबर

राशू वॉज फाउंडेड बाई होम ई वी रामास्वामी पेरी आर क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एटीन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर वन एंड थ्री आर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड नाइनटीन केशव चंद्र सेन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर वन टू और थ्री जो स्टेटमेंट है ये सही है केशव चंद्र सेन के बारे में क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी विच ऑफ द फ्लोइंग बुक वॉज नॉट रिटेन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ भूमिका नॉट रिटेन बाय दयानंद सरस्वती बट दीज बुक्स सत्यार्थ प्रकाश वेद प्रकाश एंड बेद भाषा भूमिका आर फेमस फॉर फेमस बुक्स ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिक्रेट सोसायटी अभिनव भारत गणेश सावरकर एंड विडि सावरकर दैट मीन्स सावरकर ब्रदर्स क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी टू option c correct answer question number 123 correctly matched foundation of the congress socialist party in 1934 by jay narayan option b correct answer question number 124 what is the name of the newspaper published by the indian muslim league star of india question number 125 when was the federation of indian chamber of commerce and industries founded 1927 question number 126 who said this orderly disciplined anarchy should go and if as a result there is complete lawlessness, I would risk it. Mahatma Gandhi, question number 127. Option B correct answer: Abul Kalam Azad, question number 128. Who made the, the public declaration and when Lord Irwin in 1929? Question number 129: who among the flowing capitalists serves as a I double C treasurer for? ट्रेजरर फॉर मेनी ईयर्स एंड वेंट टू जेल इन 1930 थर्टी जमुना लाल बजाज क्वेश्चन नंबर 130 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 131 हंड्रेड विच सेशन ऑफ कांग्रेस हैड 1889 एटी डेलीगेट्स फिफ्थ सेशन ऑफ बॉम्बे 132 हंड्रेड थर्टी टू केशव चंद्रसेन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 132 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर डिप्रेस्ड क्लासेस सेपरेट इलेक्ट्रोड बाई एक्ट 1935 क्वेश्चन नंबर 134 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 135 झांसी सर ह्यूजरो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर करेक्टली मैच क्वेश्चन नंबर 136 डांडी क्वेश्चन नंबर कैंपन फ्रॉम द लेट एटीन सेंचुरी वे आर नॉन एज डांडी क्वेश्चन नंबर 137 हंड्रेड थर्टी सेवेन हू एमोंग द फ्लोइंग ब्रिटिशर्स वर एसोसिएटेड आर एम बर्ड क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टी एट वाट इज द क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल लखनऊ पैक्ट उन्नीस सौ सोलह सेकेंड अगस्त डिक्लेरेशन नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटीन उन्नीस सौ सत्रह में हुआ था जालिया वाला बाग मैं सहकर उन्नीस सौ निन्यानवे एंड खेड़ा सत्याग्रह उन्नीस सौ अठारह सो so लखनऊ पैक्ट D, answer, A, answer, Satyagra, 1970, movement, 1990, Congress, 1916 शो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली ऑप्शन ए करेक्ट आंसर चंपारण सत्याग्रह 1917 लॉन्चिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट 1919 सौ उन्नीस री यूनियन री यूनियन ऑफ कांग्रेस दैट मींस लखनऊ पैक्ट और लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस 1916 एंड नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 शो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 139 क्वेश्चन नंबर 140 क्रांति Question number 141 Canning during the period of Euro European soldier stage uh, is so called white mutiny in India. Canning, Lord Canning. Question number 122 New education system option. See correct answer 147. Sorry, 143. Who is generally no, uh, acknowledged as the pioneer of local self government in modern India? Lord Ripon. Lord Ripon time period is from 1880 to 84. Four years. Question number 144. Who was the first attempt? Decentralized of financial administration Mayo. Question number 145. Major Hector Munro. Question number 146. Option A: Lord Auckland. Question number 147. Option B Lord Ellenberg. Or करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 148 ड्यूरिंग हुज रेन डिड द पोस्ट ऑफ पेशवा नॉट ओनली बिकम पावरफुल बट आल्सो हैरिडेटरी शो साहू ऑप्शन 199 हंड्रेड बालाजी विश्वनाथ क्वेश्चन नंबर 150 मालाबार व्हिच रीजन इज इंडिया प्रोवाइडेड द बेस्ट क्वालिटी साल्ट पीटर एंड ऑफ हिम टू द यूरोपियंस साल्ट पीटर एंड ऑफ हिम्स नो नो बिहार दिस इज़ करेक्ट आंसर बिहार यहाँ पर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फिफ्टी वन वेन एंड बाई होम वर द पोर्टुगीज ड्रीबेन आउट ऑफ हुगली इन बेंगाल नाइनटीन हंड्रेड थर्टी वन कासिम खान क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फिफ्टी टू वॉट वाज द ईयरली कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज कोचिन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फिफ्टी थ्री विच वन ऑफ फ्लोइंग मुगल एम्पायर इज़ क्रेडिट विद द कंपोजिशन ऑफ मैनी हिंदी शॉग्स जहांगीर क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फिफ्टी फोर विच ऑफ द फ्लोइंग मेनुस्क्रिप्ट कंटेनिंग मिनिएचर्स पेंटिंग रेबल्स अ सेंस ऑफ अथोरिटी विचनेस्ड एक्सपीरियंसड बाई द पेंटर्स दैम सेल्व सो तारीखे अल्फी क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हमजा नामा इज पेंटिंग क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स द ओनली टाइप ऑफ जागीर विच कुड नॉट बी ट्रांसफर्ड वाज़ वतन जागीर क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फिफ्टी सेवेन ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ग्रेट मुगल वाज़ टोबैको इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया जहांगीर क्वेश्चन नंबर 158 हंड्रेड फिफ्टी एट विच ऑफ द फ्लोइंग मॉस्क ऑफ द मुगल्स इज ऑल्सो नॉन एज पर्ल मॉस्क मोती मस्जिद एट आगरा क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फिफ्टी नाइन हु एमोंग द फ्लोइंग मुगल मिनिस्टर वॉज द पेम मास्टर जनरल एज वेल एज मीर बख्शी क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सिक्सटी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बिरबल क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सिक्सटी वन विच ऑफ द फ्लोइंग रिक बेदी गॉड इज सेट टू बी ऑफ ऑफ द एंड कॉस्मिक ऑर्डर बरून ऑप्शन सी करेक्ट आंसर वन हंड्रेड सिक्सटी टू समिति ऑप्शन ए करेक्ट आंसर वन हंड्रेड सिक्सटी थ्री हाउस बरियल्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम उलेरी इन अल्मोरा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होबेक वन हंड्रेड सिक्सटी फोर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव हु अमाउंट द फ्लोइंग आर्कियोलॉजिस्ट हैज बीन क्लेमिंग दैट हीज सक्सेसफुली डेसीफियर द इन दस स्क्रिप्ट दो अदर हैव नॉट एक्सेप्टेड द क्लेम एस आर राव क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सिक्सटी सिक्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर वन हंड्रेड सिक्सटी एट द हरप्पा ब्रिक्स वर मेनली मेड इन एन ओपन मोल्ड क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन वेयर डू द फर्स्ट थ्री फेजेज विज मेसोलेथिक एंड न्योलेथिक कल्चर इन बेलन वैली क्वेश्चन नंबर हंड्रेड सेवेंटी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 171 हंड्रेड सेवेंटी वन विच विजयनगर रूरल सेंट एन एम्बेसी टू चाइना बुक का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 172 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आमिर खुशरो क्वेश्चन नंबर 173 हंड्रेड हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नोरोज बलबन क्वेश्चन नंबर 174 हंड्रेड सेवेंटी फोर द फेमस जैन टेम्पल एट दिलवारा वर बिल्ट बाई सोलंकीज क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव वेयर वर द silkworm introduced into the byzantine empire from china adversely affecting india already declining foreign trade 551 ad question number 176 kalidas work includes all of them question number 177 option a correct answer maths question number 78 rasput option c 179 option d correct answer question number 180 option a greed and passion इज आंसर क्वेश्चन नंबर 181 हंड्रेड एट्टी वन बैक्टीरियन किंग ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हू एम द्लोइंग ए स्टार्टेड जनरल यूज ऑफ स्टोन फॉर मॉन्यूमेंट्स अशोक ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 183 ऑप्शन डी कलिंगा इंस्क्रिप्शन इज करेक्ट आंसर एंड प्रोस्पेरिटी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 184 अकॉर्डिंग टू रास्त अशोकास फेवरेट डिटीज वॉज सीवा क्वेश्चन नंबर 185 हंड्रेड एट्टी फाइव ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 186 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विच डिस्क्राइब द फ्लोइंग सोर्स डिस्क्राइब एज बिलोंग टू द शुद्रास वर्ण पुरानाज क्वेश्चन नंबर 187 कलहंस राज तरंगनी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स स्टेट द श्रीनगर वाज बिल्ड बाय अशोका कलहंस राज तरंगनी के द्वारा पता चलता है कि अशोका ने श्रीनगर को बनाया था जो जम्मू कश्मीर में है क्वेश्चन नंबर 188 हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ ग्रीक एंबेसडर स्टेइंग एट द मौरियन कोट ऑप्शन बी डिओडोरस क्वेश्चन नंबर 189 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 190 मानिया ऑप्शन द हेरिडिट्री सोल्जर ऑफ द मौर्यन पीरियड वर नॉन इज मानिया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 191 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर वन हंड्रेड नाइंटी टू हु एमोंग द फ्लोइंग इंग्लिश मैन वॉज़ गिवेन द टाइटल खान बाय जहांगीर हॉकि क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड नाइन्टी थ्री हू वाज द फाउंडर ऑफ गजपति डेनेसिटी ऑफ ओडिशा प्रता प्रता रुद्र ऑप्शन सी करेक्ट आंसर वन हंड्रेड नाइंटी फोर हु वाज़ द फाउंडर ऑफ सल्तनत ऑफ मदुरई जलालुद्दीन अशान ऑप्शन एक करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 195 हंड्रेड नाइंटी फाइव हु बिल्ड द गोल गुम्बज एट बीजापुर फेमस फॉर द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डोम एंड द विस्परिंग गैलरी मुहम्मद आदिल शाह ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स विच हुटेड यौगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड वॉज कॉल्ड सिद्ध और परफेक्ट निजामुद्दीन ओलिया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हु रोट गीतावली कवितावली एंड बिनय पत्रिका तुलसीदास काफी फेमस है बिनय पत्रिका तुलसीदास की वाट इज दर्वस्ट वन लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट ऑस्ट